नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने महाराष्ट्र के डॉक्टर शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक के लेन देन पर भी रोक लगा दी गई है। डॉक्टर शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की वित्तीय हालत खराब होने के कारण ये कार्रवाई की गई है। आरबीआई ने कहा कि ये बैंक अपनी अभी की मौजूदा फाइनेंशियल हालत को देखते हुए पैसा नहीं चुका सकता। आरबीआई के बयान के मुताबिक डॉक्टर शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं और इस तरह से ये बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों का पालन नहीं करता है। महाराष्ट्र स्थित ये बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा। केंद्रीय बैंक ने सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार महाराष्ट्र से भी बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। बता दें कि एक महीने पहले ही आरबीआई ने महाराष्ट्र के पुणे में मौजूद शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द किया था। आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 35A की उपधारा के तहत शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक पर यह प्रतिबंध लगाया था। इन प्रतिबंधों के तहत आरबीआई ने निकासी जमा लेने लोन देने पर पाबंदी लगा दी थी। बता दें कि आरबीआई इससे पहले भी महाराष्ट्र के कई सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द कर चुका है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।